हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 4 नवंबर है और 4 नवंबर के सुबह 6 बज चुके हैं और डेली करंट का तहलका आपके सामने प्रेजेंट हो रही है मेरे द्वारा। जो सुबह हर रोज सुबह करंट अफेयर जो कराता हूं मैं, हर क्वेश्चन के अंतर्गत मैं उतनी लगन से, उतनी मेहनत से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में बैठने से पहले या फिर एग्जाम के टाइम पर जब आप बैठोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, तुरंत 4 से 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, मैं बाहर से कुछ नहीं कराता, मैं उस क्वेश्चन को इतना एनालिसिस, उस क्वेश्चन को इतना बता देना चाहता हूँ ताकि आप रिवीजन के टाइम पर, नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो तो तुरंत से आंसर दे दो उसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपनी करंट अफेयर को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए। जैसे कि मैं हर रोज की तरह बताता हूँ अपने भाइयों को, ठीक है, कि मेरी प्रातः सुबह 6 बजे मेरी क्लास आ जाती है डेली करंट का तहलका, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। PDF आपको मैं दे देता हूँ ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, आप SSC, CTET, बैंक या NDA, डिफेंस रिलेटेड जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, 101% मेरा ये क्वेश्चन डेली करंट के तहलके में थे, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, करंट से रिलेटेड बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं नवंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस उसको मैं बताता हूँ। अभी 1 नवंबर तो विश्व सहकारी दिवस के बारे में बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, और इसी दिन आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, इन सभी का अपना दिवस होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज का है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो समझिए, किस फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG नियुक्त किया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना या फिर नोट कर लेना। IG का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, सबसे ऊपरी पोस्ट है। तो BSF की है, CRPF की बनी है, ITBP की बनी है, CISF की बनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो बनी है CRPF की है। आइए थोड़ा मैं इनके बारे में पॉइंट आउट कर देता हूँ। इन दोनों महिलाओं के नाम है एनी अब्राहम। ठीक है, एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स RAF जिसको कहा जाता है, IG बनाया गया है। यह एक विशेष दंगा रोधी इकाई होती है। ठीक है, वहीं पर दूसरी जो है सीमा ढूंढिया साहब, उनको बिहार सेक्टर का IG बनाया गया है फिलहाल। ठीक है, कुल मिलाकर ये दोनों ही CRPF के अंतर्गत हैं और पहली में 2 महिलाएं बनाई गई हैं। मैं बता दूं, दोनों महिलाएं 1987 में महिला अधिकारियों को पहले बैच के रूप में CRPF में शामिल हुई थी। ठीक है, दोनों की दोनों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी को। इनमें से मैं बता दूं इनको जो अपनी सेवन को जो कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है इनको, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक जीत चुकी हैं, मतलब मिल चुका है, और अति उत्कृष्ट सेवा पदक के सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, जो इनको लेकर के इनको IG बनाया गया है CRPF में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों। आइए थोड़ा CRPF की मैं बात करता हूँ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, जो कि 1986 में महिलाओं की लड़ाई में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस था। आपसे यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, वर्तमान में फिलहाल 6,000 से अधिक महिलाएं कांस्टेबल हैं। ठीक है, CRPF के अंतर्गत। यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बना दिया गया था। आपको पता होना चाहिए पहले क्या था या किस अधिनियम के तहत इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बना दिया गया था। ठीक है, यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद विरोधी अभियानों में मदद करता है फुल। ठीक है मेरे भाई, CRPF में सेक्टर के प्रमुख जो IG, अभी जो महिलाएं बनी है वो सबसे ऊपर जो सेक्टर होता है प्रमुख होता है IG, मतलब इंस्पेक्टर जनरल होता है। ठीक है, अब मैं बता दूं इसकी जो महानिदेशक है सुजायला था होसेन है, केंद्र रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान महानिदेशक के रूप में विराजमान है। आप सभी की मैंने प्रॉपर तरीके से सब कुछ बता दिया है, जो भी मेरे इकट्ठा होता है, मतलब जो भी मैं रिसर्च करके लाता हूँ आपके सामने, वो सभी पॉइंट बिल्कुल सटीक और बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आप प्रॉपर तरीके से ये रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्व उत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय जल्द ही किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह पहला है, इंपोर्टेंट है, जो भी पहला स्टेट, जैसे जो भी देश के अंदर पहली चीज होती है वो क्वेश्चन में आने के 100% मतलब 99% तो होती होती हैं। ठीक है, कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा राज्य है वो जिसमें स्थापित किया जा रहा है
पहला मछली संग्रहालय तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश कोई नॉर्थ ईस्ट में आता है? नहीं, उत्तराखंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश आता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि सेवन सिस्टर के रूप में विराजमान। ठीक है मेरे भाई, तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पहला मछली संग्रहालय खोला जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। संग्रहालय में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय क्या है? ठीक है, इसके द्वारा इसको मंजूरी दी है, जिसको एका पार्क का हिस्सा हो गई है। ठीक है, एका पार्क इसकी जो गठन हुआ था 2018 में हुआ था, मोदी जी द्वारा हुआ था। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, जो इस राज्य में जो जो इस राज्य की जो मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी प्रजातियां पाई जाएंगी मछली को, सभी इसके अंदर पाई जाएंगी। ठीक है भाई, इनको छोड़ा जाएगा। इसकी लागत जो है, पहली किस्त जो होगी 43.59 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। मैं बता दूं, PMMSY इसकी फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीली क्रांति लाने के लिए 3 साल पहले प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक आईपी की घोषणा की थी। आईपी है एका पार्क। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है चीज भी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मैं बारे में बताऊं, भारत सरकार ने मई 2020 में 20,050 करोड़ रुपए के उच्चतम निवेश के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के लिए PMMSY के लिए ये लॉन्च किया था। ठीक है, इतना निवेश किया था और योजनाओं के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक लागू किया जाएगा, जितनी भी योजनाएं इसके अंतर्गत होंगी। ठीक है, PMM ये नीचे लिखा हुआ है, PMMSY। ठीक, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक मनाया जा रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि सप्ताह के रूप में इसको आयोजित किया गया है। तो मैं बता दूं, ये 31 अक्टूबर को आपको पता होगी राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। बहुत ही महान प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जन्मतिथि से शुरू होता है और 6 नवंबर तक ये मतलब मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा मनाया जा रहा है, या राष्ट्रीय संप्रदाय आयोग द्वारा मनाया जा रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। प्रॉपर तरीके को आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीक 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, वीकली इसको मनाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें 31 अक्टूबर को स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत है। ये इंपॉर्टेंट थीम के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाई, और सभी इसमें भी मंत्रालय विभाग संगठन के फोकस क्षेत्रों के रूप में कुछ निर्वाह सतर्कता पहलों को प्रकाश डालते हैं इसके सप्ताह के अंतर्गत, और इसमें जो भी समारोह हो रहा है विज्ञान भवन के रूप में इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो भी मुझे बताना था आपको मैं बता चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से दो व्यक्तियों को रक्षा और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इंपोर्टेंट है, गिरधर अरमाने और संजीव चोपड़ा इज द राइट आंसर हो जाता है, ज्यादा बढ़ते नहीं है, ए इज द राइट आंसर। गिरधर अरमाने जो है ये रक्षा, और दूसरी तरफ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में संजीव चोपड़ा को मनाया गया है। ठीक है, मतलब पदभार ग्रहण सौंपा गया है। इनसे पहले क्या कर रहे थे उसकी भी चर्चा करते चलूंगा। 1 नवंबर को गिरधर अरमाने रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया, ये इन्होंने जगह ली है अजय कुमार साहब की। ठीक है मेरे भाई, अरमाने अपने नए कार्यभार से पहले सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के सचिव रहे हैं। ठीक है, वहीं पर संजीव चोपड़ा साहब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में 31 अक्टूबर 2022 से खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है और नीचे भी मैंने इनके बारे में कुछ लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 दिवसीय कौन सा अभ्यास शुरू किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो फॉल ईगल है या शील्ड है या फिर विजिलेंट स्टॉर्म है? तो यहाँ पर इस समय जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में टाइम में विजिलेंट स्टॉर्म जो अभ्यास है वो 5 दिन का हो रहा है दक्षिण कोरिया साउथ राज्य अमेरिका के बीच में। ठीक है, हालांकि ये तीनों के तीनों इन दोनों देशों के बीच में होते हैं, फिलहाल जो हो रहा है विजिलेंट स्टॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा जिक्र कर दूं, 31 अक्टूबर को 5 दिवसीय विजिलेंट स्टॉर्म अभ्यास शुरू हुआ था दक्षिण कोरिया और किसके बीच में, अमेरिका के बीच में। इस अभ्यास में अमेरिकी तरफ से
F-358 स्टेल्थ फाइटर जेट सहित 240 से अधिक विमान भाग ले रहे हैं। और दक्षिण कोरिया की तरफ से बता दूं, F-35 स्टेल्थ जेट और F-15 के और KF-16 फाइटर्स अभ्यास भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो है वायुसेना का अभ्यास होता है। ठीक है, एक दूसरे को साझा करते हैं अपनी अपनी ताकतें, अपनी अपनी क्षमताएं, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी। ये अभ्यास, यही एक्सरसाइज होती है एक देश से दूसरे देश की। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसंधान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल के फेज 2 को पहले कुछ दिन पहले कर दिए, अब फेज 2 को पहली उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसरो द्वारा छोड़े जाते हैं या नासा द्वारा, स्पेस एक्स द्वारा, या DRDO? तो DRDO द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता होनी चाहिए सभी चीजें, फुल फॉर्म, इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ आपके सामने। ठीक है, उड़ान परिसर उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको चिल्का झील भी कहा जाता आप। ठीक है, तो इनका नाम APJ अब्दुल कलाम रख दिया गया उसका। और AD-1 मिसाइल लंबी दूरी इंटरसेप्टर मिसाइल है, या लंबी दूरी से बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ विमानों को लो एक्सो एंटामोसफेरिक और एंडो एंटासमेफेरिक इंटरस्पेस दोनों की डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह है दो चरणों वाली सॉलिड मोटर द्वारा संचालित की गई है। ठीक है, यह जो तैयार की गई है DRDO द्वारा, प्रॉपर तरीके से तैयार की गई है, और प्रशिक्षण भी उसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? APJ अब्दुल कलाम, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, खगोलविद जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, 2022 AP-7 नाम का एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है। यह क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में किसके पीछे पाया गया है? ठीक है, हालांकि मुझे थोड़ा ये करने से किसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, पर लेकिन मैं जो हुआ वो आप क्वेश्चन पर ध्यान करना, क्या बताना चाहता हूँ। पृथ्वी के पीछे, सूर्य के, बृहस्पति के, मंगल? तो राइट आंसर इसका हो जाता है सूर्य के पीछे। ठीक है, वो अपनी मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में कि खगोलविद जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, इनकी एक टीम है, उसने पृथ्वी के निकट 3 बड़े क्षुद्र ग्रहों की खोज की, उनमें से एक जो अभी फिलहाल होया 2022 AP-7, ये सबसे खतरनाक है। ठीक है, अन्य दो क्षुद्र ग्रह हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह का मतलब जो एस्ट्रॉइड होते हैं, जो पत्थर होते हैं ना, वो जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, जो घूमते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, जो क्षुद्र ग्रह जो पत्थर होते हैं, उनकी बात हो रही है। उनमें से ये 3 है जो पृथ्वी के निकट है सबसे। मैं बता दूं, उनमें से जो दो क्षुद्र ग्रह हैं, 2021 LI-4 और 2021 PS-27 नाम से पाए गए हैं, मतलब मिले हैं। और 2021 LI इसका आकार सबसे छोटा है, और 2021 PS-27 ये सबसे नजदीक है किसके? सूर्य के। ठीक है, खगोल विदों ने कहा है कि 2022 AP-7 2014 गए बाद खोजा गया सबसे बड़ा संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक क्लास लेकर आना चाहता हूँ, जो कि विषुवत अफेयर में हो सकती है आज। ठीक है मेरे भाई, तो इनके अपने अपने मतलब नासा के द्वारा या फिर स्कॉट सेफर्ड जो इनकी जो टीम है, इन्होंने लैब के दौरान ये सभी चीजें शेयर की हैं, साझा की हैं। ठीक है, और अखबारों में प्रॉपर तरीके से छप चुकी हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं, सभी आपको पता होगा, सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं, ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा के भीतर खगोलविदों ने केवल 25 क्षुद्र ग्रह की खोज की फिलहाल। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है सभी चीजें, सभी चीज जो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके और मेरे बीच में जो भी होती है, वो सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड होती है, ना कि बाहर से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, आसान चीज पकड़ते हैं। आजकल क्या होता है, DRDO, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, DRDO का अध्यक्ष कौन होते हैं, कहाँ पर हेडक्वार्टर, कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर तरीके उसी में बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन को हटा करके उसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, अरे क्वेश्चन को समझाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, जिस क्वेश्चन को हम समझाने को आए, ठीक है, उनकी सबकी तो पता है, नॉलेज भी पड़ी है उनको। मेन चीज है कि आज जो करंट अफेयर आ रही है उसके बारे में जिक्र करें। ठीक है, किस मंत्रिमंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने को मंजूरी दी? आपने सुना होगा डोनी पोलो क्या है, डोनी पोलो आप दिमाग में रिसर्च करो, डोनी पोलो किसने नाम दिया है। ठीक है, आपने सोचा पढ़ा भी होगा, तो मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल इस मंत्रिमंडल की बता देता हूँ कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको स्वीकार मतलब मंजूरी दे दी गई, फिर राज्य सरकार ने इसको डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर नाम दे दिया गया है।
ठीक है मेरे भाई, ने मंजूरी दे दी जो अब फ्यूचर में नाम चेंज हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है मैं बता दूं, डोनोपोल हवाई अड्डा जो है ये ईटानगर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। नया नाम राज्य की परंपराओं को समृद्ध संस्कृति विरासत के प्रतीक सूर्य जो कि डोनी, ये इंपोर्टेंट है। सुन, डोनी को सूर्य, वहीं पर चंद्रमा को पोलो के प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है। हमारे भारत में सबसे पहले जो सूर्य की किरणें बिखरती हैं आती हैं वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये सभी चीजें सोची हैं और जो लिखा हुआ है परंपरा और समृद्ध संस्कृति को विरासत देख करके इसका नाम रखा गया है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विकास के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच एक समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास हो गया। ये थोड़ा सा अलग हो गया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफी हद तक कई मैगजीन में मैंने पढ़ा है। नागरिकता अधिनियम के तहत तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, यह किस अधिनियम के तहत, ये जो अधिनियम है किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ठीक है, 1960 नागरिकता अधिनियम, या फिर 1994, 2000, या 1955 नागरिकता अधिनियम। सभी को पता होगा डी इज द राइट आंसर हो जाता है, 1955 नागरिकता अधिनियम के तहत इसको, इन सभी को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जो कि भारत सरकार द्वारा होगी और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए वर्तमान में गुजरात के दो जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों, ईसाइयों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यहाँ पर आपको पता होगी हम मुस्लिम धर्म नहीं है तो उनको साफ तरह से मना कर दिया गया कि उनको नहीं दी जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये मेमोरेंडम या ईसीटी ये पास हुआ है या हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मोदी साहब देख रहे हैं और वहां के कौन राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, इन कमेंट मुझे बताना है सभी। ठीक है, पीयूष गोयल साहब आपको नीचे दिख रहे होंगे। नहीं मैं बता दूं थोड़ा सा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ऑस्ट्रेलिया में मतलब वर्चुअल जो बैठक है उसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और इसमें जो हस्ताक्षर, जो भी चीजें चर्चा होने के मुद्दे थे वो सभी चीजें प्रॉपर तरीके से बातचीत हुई जो आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि किसी राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात। तो गुजरात के अंतर्गत ये जो लाइब्रेरी जो कि पांडुलिपि है या मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो कहलाती है इंग्लिश में बोले तो वो गुजरात में प्रॉपर तरीके से विश्व में, विश्व के स्तर पर बनाया जा रहा है इसको, तो कि जो कि गुजरात में स्थित हो गया, बनाया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर कुछ कुछ हद तक ये रह रहा है और कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के हर क्वेश्चन को मैंने डीपली अपनी तरफ से फुल 100% दिया होगा और हर पॉइंट को समझाने की कोशिश की होगी और आप समझ भी चुके होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे पता चल जाती है कि कितनी अच्छी मेरी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।